पुन्हा थेट अयोध्येत जातो आहोत. दीपोत्सव अयोध्येत साजरा केला जातोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतात. सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी देवतुल्य अवधवासी, देश और दुनिया में उपस्थित सभी राम भक्त, भारत भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है. आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है. मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी. मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी. हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं. साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं, पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं. हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया. सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है. प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है. साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है. आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर, रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है. ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा वितो देवयानः. अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं. ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की, रामो राजमणि सदा विजयते. अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं.
तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन, अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है ये आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा।